So this is how Goa looks in monsoon. Hi. 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 Just because of you, we are 45 minutes early and we didn't get AC. Janvi, hi. Yaar, kyun hum baat rahe hain? Yaar, Vijay. Vijay, hi. Hi guys, welcome back to my channel. आपने मडगांव एक्सप्रेस तो पिक्चर पक्का देखी रहेगी, हमने भी देख ली. और मडगांव एक्सप्रेस पिक्चर देख के हमने मडगांव एक्सप्रेस पकड़ ली. हम जा रहे हैं गोवा इन जून. सो आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि गोवा जून में कैसा होता है, बिकॉज बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं मानसून में कोई बीच वाइज जगह पर जाने का. सो ये ट्रिप नॉर्मल नहीं होने वाली है, जैसे नॉर्मल बागा बीच, कैलनवेट बीच. दिस ट्रिप इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल ऑफ बीट, क्योंकि हम लोग हिडन प्लेसेज ऑफ गोवा एक्सप्लोर करने वाले हैं, हिडन कैफेज ऑफ गोवा एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो कि बहुत कम लोगों को पता है. सो एंड तक बने रहिए, पूरी सीरीज देखना, खाली एक लोग देख के छोड़ मत देना. So this is how Goa looks in monsoon. तो फाइनली वी आर इन गोवा. हमारी ट्रेन 4 घंटे लेट हो चुकी थी एंड वी हैव मेड इट टू आवर हॉस्टल. सो हमारे हॉस्टल का नाम है लोकोमो बुटीक स्टेज. सो मैं आपको पहले अपना हॉस्टल दिखाता हूँ, रूम दिखाता हूँ, एंड देन देखते हैं कि हम आज कहाँ जा रहे हैं. बिकॉज टुडे हमने डिसाइड किया है कि हम थोड़ा चिल रखने वाले हैं, लाइक क्योंकि ट्रैवल भी किया है हमने, ज़्यादा अच्छे से नींद नहीं हुई है. सो वो लेट सी द प्रॉपर्टी लोकोमो. This is the entry. And from here we have access to the pool. मेरे को पूल तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है. और यहाँ पे जो ये सेटिंग वगैरह दी हुई है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. इट्स अ वेरी गुड एंड एस्थेटिक कैफे इन मॉर्जिम. इवन यहाँ पे कैफे है लाइक टू चिल एंड हैंग अराउंड. जो ये कर रही है वॉचिंग नहीं, और हैंग आउट चालू हो गया है. देखो तो बहुत पेड़ मिल गए यहाँ पे. क्या मिल गए? पेड़. सो दिस इज द कैफे टू चिल. यहाँ पे आप चिल कर सकते हैं रात को बैठ के. आपको बियर विस्की पीना है तो आप पी सकते हैं, बट हम नहीं पीते हैं. यहाँ का इनका आज कुछ स्पेशल मेन्यू है. यहाँ पे हमारा डॉम है, हम डॉम्स में रह रहे हैं. डॉम्स क्या होते हैं आपको वो दिखाता हूँ. And this is the AC section and this is the outdoor section. Property रात को एकदम अलग ही लगने वाली है. मैं आपको इसका रात का भी लुक दिखाऊंगा. This is the common room. So अभी हम तैयार होकर निकल रहे हैं मॉर्जिम घूमने. अगर आपको पता नहीं है मॉर्जिम क्या है, सो मॉर्जिम इज़ अ बीच इन गोवा विच इज़ लेस क्राउडेड, बिकॉज कैलनवेट एंड बागा बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहते हैं. तो लाइक वहाँ पे ना कचरा बन गया है कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट रहते हैं. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम मॉर्जिम बीच,
देख लेना कि आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. ऑल्सो मोर्जिम बीच इज कॉल्ड मिनी रशिया बिकॉज यहाँ पे यू विल फाइंड लॉर्ड ऑफ रशियन. ज़्यादा खुश मत हो. हाँ, आ चुकी हम सबकी फसीनो. भाई हेलमेट तो दिया. हेलमेट डिक्की में ना. गोवा में हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है वरना फाइन लग जाएगा. हाँ, बहुत ज़्यादा कंपलसरी. गाइस, सो अभी अभी जानवी और जोई गिर गए थे ड्राइव करते करते बिकॉज यहाँ पे रास्ता बहुत गंदा था. सो अगर आप जून में आ रहे हो, बारिश के महीनों में आ रहे हो, सो आपको ये बात का बहुत ध्यान रखना है. लाल मिट्टी है पूरी. सो ये है मोर्जिम के रास्ते. पूरी बारिश में पड़ रहा है, वो गिर चुके और हम आगे आ चुके हैं. सो नाउ हम आ चुके हैं कुछ खाने पीने, क्योंकि हमने सुबह से लेजिट कुछ नहीं खाया है. हम आ चुके हैं टोमाटोज जो कि मोर्जिम के बीच के एकदम टच में है. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स है बट वी चूज टोमाटोज टू आर ट्रिप बिकॉज जगह बहुत अच्छी लगी. एंड आई ऑल्सो रिकमेंड यू कि अब क्योंकि इसके व्यूज़ बहुत अच्छे हैं तो आना तो सही. बाकी फूड का मैं आपको बता रहा हूँ. सो दिस इज टोमाटो नेक्स्ट टू द बीच रोड एंड लेट्स गो टू बीच. द रीज़न वी आर हियर फॉर, एक बात तो बोलनी पड़ेगी, गोवा के जो सनसेट्स होते हैं ना वो हिमाचल के बाद सबसे बेस्ट यहाँ पे होते हैं. मैं आपको दिखा रहा हूँ दिस सीरीन ब्यूटी. So this is the Morjim Beach, one of the cleanest. थोड़ा कचरा तो दिखने आएगा ही नहीं यार. तो दिस इज़ द वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेज ऑफ गोवा एंड यहाँ पे क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा कम होएगा आप देख सकते हो. तो सो पीसफुल, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि जब आप बीच को देख रहे हो सिर्फ एंड सनसेट भी हो रहा है. The beaches here are good, or the beaches you, the countries you visited are good. The countries I visited. Other countries, of course. But for us, Goa is good. Go na aage the. हम आ गए हैं. खाली हम दोनों आए हैं वहाँ पे रुक गए. They are scared. Oh God. Oh. सो दिस इज द इंडोर सेक्शन. इट्स ब्यूटिफुली मेड. द वाइब है इज टू डिफरेंट एंड दिस इज द बीच फ्रंट. लेट्स गो देयर नाउ. The vibe of the beachfront is totally different and the vibe of the interior is totally different. Bahut rustic vibe, bahut aesthetic cafe hai, restaurant hai sorry, in Morjim Beach. Hi doggy.
फीलिंग गुड सो उसको हम हॉस्टल छोड़ने आए हैं। अभी हम जा रहे हैं कोई सी तो कोई कॉफ़ी प्लेस पे जो सिर्फ जानवी को ही पता है। हम कहाँ जा रहे हैं? राइस मिल कैफे। इट्स अ कॉफ़ी शॉप। लेट्स गो। नाउ वी आर एट द कैफे ओसा सूत्र। हमको कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही थी सो हम यहाँ पे आ गए हैं। सो नाइसली बिल्ट कैफे, बहुत ओवन वाइब्स है इसकी। लेट्स सी के हाउ इज़ द कॉफ़ी। So if you guys are looking for good coffee in Morjim, I will recommend you Cafe Osa because it's a nice place. We tried green matcha latte and Indian cold coffee. Both were up to the mark. Green matcha latte was a bit bitter to me, but it was good as it is healthy. And Indian cold coffee was way better. So I will recommend this. So it's almost 9:30. और अभी हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल। चिली चिकन मसाला पापड़ भंडिया। यम यम। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्रेंड्स सोचलानी। हम थक गए हैं बहुत। हम जबरदस्त ऊपर जाके सोने गए। आई होप कि ऊपर वो गंदी मक्खियाँ नहीं होनी चाहिए। सो दूसरे लोग तो जल्दी आएगा। वेट करना और बने रहना। Bye, see you.